हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मर्दर क्लासेस में। दोस्तों, आपको विदित होगा कि हमने दो दिन पहले ही कंप्यूटर की क्लासें स्टार्ट कर रखी है ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी, दो दिन पहले से स्टार्ट कर रखी हमने। तो जो पहले दिन हमने पढ़ा था, कंप्यूटर का विकास प्रकार से हुआ और परिचय वगैरह, वो पढ़े थे। और दूसरी क्लास रही थी दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी थी। और आज दोस्तों हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के प्रकार मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं हम, तकनीक के आधार पर, आकार या कार्य क्षमता के आधार पर, और उद्देश्य के आधार पर। अब तकनीक के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। गति या आकार या कार्य क्षमता के आधार पर देखें तो चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर दोस्तों देखें तो सामान्य कंप्यूटर है, विशेष कंप्यूटर है। तो बात करें डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों कौन कौन से, तो ये आएंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये किसके, डिजिटल कंप्यूटर के ही भाग हैं। तकनीक के आधार पर कंप्यूटरों को देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करके संकेतों पर कार्य करता है, सिंगल्स पर कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना मेमोरी के चलता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का भौतिक मात्राओं, ताप, दाब, गति, वजन, दूरी, विद्युत प्रवाह और लंबाई आदि मापने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि कोई तुल्ला है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, तो उस पर हम चढ़ेंगे तो वो वजन बताएगा। तो उसमें क्या, किसका प्रयोग हुआ, संकेतों का प्रयोग हुआ। जैसे कि कोई ताप मापना है तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाएगा। किसी की गति मापनी है तो फिर गति वाले जो वाहन वाले होते हैं तो उनका प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ निरंतर माप की आवश्यकता होती है। एनालॉग कंप्यूटर में सिंगल्स में निरंतरता रहती है और तापमान मापने के लिए काम में लिया जाने वाला थर्मामीटर एनालॉग के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर है वो संकेतों पे कार्य करता है। यहाँ पे आप संकेतों वाले डिवाइस देख सकते हैं, एनालॉग ब्लड प्रेशर है और डिजिटल ब्लड प्रेशर है, एनालॉग टेम्परेचर है और एनालॉग डिजिटल टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन की गति मापने के लिए जो काम में लिया जाता है जिसे स्पीडोमीटर या माइक्रोमीटर कहते हैं, और ये एनालॉग कंप्यूटर के रूप में ही कार्य करता है। सुइयां वाली दीवार की घड़ी है, जो कि जो भी घड़ी हैं सुइयां वाली, वो घड़ी भी एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करती है। हाइब्रिड कंप्यूटर की दोस्तों बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। जैसे रोगी का तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिंगल के रूप में मापा जाता है, और इसके पश्चात डिजिटल सिंगल के रूप में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि स्टेथोस्कोप। तो इस प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर है तो उसमें दोनों का मिश्रण होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होने पर ही यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर तो विशेषता बताता है। अगला दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है। सभी डिजिटल कंप्यूटर अंक पर कार्य करते हैं। सभी डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। बाइनरी भाषा का मतलब हुआ जीरो या वन का प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा, सूचना और निर्देश जीरो वन के रूप में कार्य किए जाते हैं। आकार, गति या कार्य क्षमता के आधार पर दोस्तों देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर रहेगा अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का आकार गति व कार्य क्षमता में सबसे कम होती है, और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न भाग आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉपटॉप है, टैबलेट है, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट जिसे मोबाइल कहा जाता है। तो अपना मोबाइल भी किस कंप्यूटर में आएगा, माइक्रो कंप्यूटर में। ये माइक्रो कंप्यूटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप देख सकते हैं, लैपटॉप और प्लेटॉप देख सकते हैं, नोटबुक है, टैबलेट है और फिर मोबाइल है। मिनी कंप्यूटर, अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर का आकार, गति, कार्य क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक, लेकिन मेनफ्रेम व सुपर कंप्यूटर की मात्रा में कम होता है। और मिनी कंप्यूटर के उदाहरण में देखें तो ये मिला जुला ही रूप लगता है, किसका दोस्तों, इस टैबलेट और डेस्कटॉप का।
मैंने फ्रेम कंप्यूटर आकार, गति व कार्य क्षमता में माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक व सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। मैंने फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण IBM 4300 है, IBM 4381 और VX 8842 ये देख सकते हैं। और फिर दोस्तों आएगा सुपर कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर है, कार्य क्षमता में भी सबसे अधिक है और गति सबसे तेज है, स्टोरेज क्षमता में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कीमत भी इसकी ज़्यादा है। और ये कहाँ प्रयोग में लिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, मौसम की भविष्यवाणी, आंतरिक रक्षा विभाग आदि क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, और इसका पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑप्शनल पर सेकंड में मापी जाती है। अब सुपर कंप्यूटर का विश्व में इतिहास देख लेते हैं एक बार, विश्व में किस प्रकार से सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सुमेर क्रे को माना जाता है, यानी सुमेर क्रे ने सबसे पहले कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का विकास किया। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1966 में CDC 6600 नामक बनाया गया और इसके पश्चात 1976 में कैरी रिसर्च कंपनी द्वारा कैरी वन नामक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फाल्गु है, जो कि नवंबर 2020 में जापान द्वारा बनाया गया। इसके पहले सबसे तेज कंप्यूटर IBM USA का था, जो कि समिट था, जो 2018 में बनाया गया था। लेकिन अब कौन सा है दोस्तों, जापान का कंप्यूटर है फागाकु कंप्यूटर, जो जापान ने बनाया 2020 में। ये आप देख सकते हैं CDC 6600 और कैरी वन और फागाकु, जो कि नया लेटेस्ट कंप्यूटर है आप देख सकते हैं। फागाकु जापान के द्वारा बनाया गया और समिट ये अमेरिका के द्वारा 2018 में बनाया गया था। बाद में सुपर कंप्यूटर का इतिहास किस प्रकार की रहा वो आप देख ले एक बार। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था और 1991 में CDEC द्वारा बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है और CDEC, जिसे सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहते हैं। CDEC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे, पुणे में, ये ध्यान रख सकते हैं, CDEC का मुख्यालय पुणे में। परम सीरीज के सभी सुपर कंप्यूटर CDEC द्वारा बनाए गए, जैसे परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम युवा, परम युवा 2 और परम पदम, परम 8600, परम 9900, परम SS, परम सिद्धि। ये कंप्यूटर आप याद रख सकते हैं, परम की जो भी वैरायटी है वो आप ध्यान रख सकते हैं, CDEC के द्वारा, जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम सिद्धि है, जो कि नवंबर 2020 में CDEC के द्वारा बनाया गया और नवंबर 2020 में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि को 73वां स्थान मिला। ये ध्यान रखना, आपको करंट GK का भी सवाल है। तो नवंबर 2020 में दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर की जांच हुई, उसमें अपना परम सिद्धि भारत का कंप्यूटर है वो 63वें स्थान पर रहा। परम सिद्धि कंप्यूटर ऑफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया है। परम सिद्धि से पहले भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो 8 जनवरी 2018 में बनाया गया था और ये पेरिस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO द्वारा बनाए जाते थे और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बार्क मुंबई द्वारा बनाए गए। बार्क, जिसे बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है, और ये है विजय पांडुरंग भटाकर, इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और ये परम 8000 कंप्यूटर आप देख सकते हैं, जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो ये प्रत्युष कंप्यूटर, ये परम कंप्यूटर परम सिद्धि और ये अनुपम कंप्यूटर आप देख सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखें तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटरों की बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग घरों में काम में लिए जाने वाले कंप्यूटर ये उद्देश्य के लिए ही होते हैं।
विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटरों की बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि सभी बैंकों में एटीएम के रूप में जो कार्य किया जाता है वह विशेष उद्देश्य श्रेणी के कंप्यूटर ही होते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली दोस्तों हम कल पढ़ेंगे, आउटपुट इनपुट और प्रोसेस क्या रहता है ये चैप्टर हम कल लेंगे। आज दोस्तों हमने कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं सारे प्रकार पढ़े, किस प्रकार से पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, विश्व में सुपर कंप्यूटर की क्या जानकारी थी, संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में किया। और नेक्स्ट क्लास दोस्तों अपनी कल रहेगी आउटपुट इनपुट यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।